अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ लिबर्टी मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं और आज हम जो बात करने वाले हैं वो मैं आपको बताती चलूँ। मोदी साहब जो हैं उन्होंने पार्लियामेंट की न्यू बिल्डिंग का इफ्तिताह किया और उसमें सूरह रहमान की तलावत हुई। भजन भी गाए गए लेकिन तलावत की भी की गई, तो कुछ लोगों ने जो है इसको बड़ा अप्रिशिएट किया और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं जी, ये तो हिंदू जो गुजरात फसादात हुए थे उसको कवर अप करने के लिए जो है तमाम तर ड्रामा रचाया जा रहा है। तो हम पाकिस्तानी आवाम से जानेंगे कि क्या ड्रामा रचाया गया और क्या ड्रामा रचाने की ज़रूरत है मोदी साहब को, क्योंकि वो जो भी करते हैं खुलम खुला करते हैं। और दूसरी तरफ हम ये भी जानेंगे कि अच्छा इनिशिएटिव है, बेशक अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू एक अच्छा अमल है और हर एक अच्छे, चाहे वो छोटे से छोटा हो बड़े से बड़ा हो, अप्रिशिएट करना चाहिए, अप्रिशिएट करते हैं या नहीं करते। और साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इकट्ठे आज़ाद हुए दोनों ममालिक, एक बहुत आगे चला गया एक बहुत पीछे रह गया, वजूहात क्या है। और सेकेंडली ये जानेंगे कोई एक फील्ड ऐसी है या कोई एक चीज़ ऐसी है जिसमें पाकिस्तान बेहतर है इंडिया से। तो आवाम की तरफ बढ़ते हैं और अपने सवालात के जवाब जानते हैं और साथ में इंडियंस के लिए, भारत में रहने वाली आवाम के लिए मैसेजेस भी लेंगे आवाम के, कुछ भी पाकिस्तानी अगर भारत के लोगों को कुछ कहना चाहते हैं। बढ़ते हैं आवाम की तरफ और अपने सवालात के जवाब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? इमरान। इमरान साहब, कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? अल्लाह का शुक्र। सर मुझे कहिएगा कि मोदी जो है उन्होंने इंडिया में पार्लियामेंट हाउस की न्यू बिल्डिंग के इफ्तिताह के ऊपर सूरह रहमान की तलावत की और बड़े खामोशी से अदब से सुना, तो कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं उस पर, और कुछ लोग जो कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, तमाम मज़ाहब को इज़्ज़त देनी चाहिए, आपके इस हवाले से क्या? अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है कि इवन द डेविल कैन साइट द स्क्रिप्चर्स, यानी शैतान भी तलावत कर सकता है। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे भयानक चेहरे देखे हैं जो कुरान जो है वो पढ़ते हैं लेकिन उनके किरदार से नज़र नहीं आता। तो मोदी अगर ने अगर ये काम कर लिया तो उसका ये मतलब नहीं कि वो अच्छा हो गया। उसके दामन पे जो हज़ारों इंसानों के कत्ल के खून के छींटे हैं वो तो नहीं धुल पाएंगे इससे। ये तो मुसलमानों को और उसका वोट बैंक हासिल करने के लिए या एक सेकुलर इमेज देने की एक ख्वाहिश है। अब इतनी सी बात से अगर वो अच्छा बन सक उसको कहना है तो ये तो बड़ी एक कम इलमी और नाफहम रवैया होगा। ये भी कहिएगा क्योंकि कुछ लोग जो है मानना ये है और हकीकत भी कुछ यही है कि कट्टर हिंदू हैं, इसलिए कट्टर हिंदू जो है वो उनको फॉलो करते हैं और वोट देते हैं। उनको ज़रूरत है कि मुस्लिम कम्युनिटी के जो वोट हैं वो लें, क्योंकि ऐसे तो हिंदुओं के वोट तो चले जाएंगे। नहीं, कट्टर हिंदू होना कोई बुरी बात नहीं है। बात कट्टर हिंदू अगर पुरअमन है तो वो हमें उससे तो कोई मसला नहीं है ना, लेकिन उसकी जो गुजरात फसादात और उसके अलावा हर जगह पर उसका जो एक रवैया ख़ास है तो वो अमली तौर पर जो है वो मुसलमानों का कत्लेआम करवा रहा है। तो उस हवाले से वो सूरह रहमान की क्या पूरे कुरान की भी तलावत करते तो वो उसके बारे में जो है वो नुक्ता नज़र तो वही रहेगा, क्योंकि इंसान अपने अमल से और किरदार से पहचाना जाता है, बातें करने से तो नहीं पहचाना जाता। बातें करने से नहीं पहचाना जाता। अगर ओवरऑल हम उनके देखें तो मुल्क को तरक्की करवाई उन्होंने, मुल्क को आगे ले गए? बिल्कुल करवाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अपने मुल्क के साथ तो वो बहुत मुखलिस है। उनका ग्रोथ रेट देखें, उनके फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व देखें, आईटी सेक्टर की ग्रोथ देखें, एजुकेशन देखें उसके, उस हवाले से तो इस वक्त चाइना के बाद खत्ते में सबसे बड़ी ताकत वही उभर रही है। पाकिस्तान में कोई ऐसी खसूसियत मौजूद है जिसमें वो इंडिया को कम्पीट कर सकते? पाकिस्तान में एक खासियत मौजूद है कि ये जो सोच है कि हमने इंडिया से कम्पीट करना है, ये अगर इससे ज़रा बाहर निकल के बंदा अपने परस्पेक्टिव से निकले तो फिर शायद इस सोच से जब अगर आज़ादी होगी तो फिर हम बाकी चीज़ें भी कर लेंगे। अगर हम हर वक्त इंडिया के हिसाब से सोचते रहे फिर ऐसे ही हमारा हाल होगा जो हो रहा है। अभी तो बांग्लादेश से आगे बढ़ने की भी हमें ज़रूरत है, ये अफगानिस्तान से बढ़ने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। तो नाज़रीन, सोच से बाहर निकलेंगे तो हम पाकिस्तान को जो है वो बेहतर बना सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम? रिजवान जी। रिजवान साहब क्या करते हैं? मैं जी सेलमैन का कर रहा हूँ, शूटिंग का, कॉटन की। कैसा गुजरी? बस जी मजबूरी है जी, काफ़ी फैसला बात से है इधर मार्केट करने के लिए, सब मार्केट रेट सब की वजह से कोई वो भी परचेज नहीं कर रहे। सुबह से आए कोई आर्डर नहीं मिला हमें इधर से, काफ़ी हालात ख़राब हैं बाज़ार के, कोई मार्केटें खुलते सुनाटे हैं जी, खामोशी है जी, कोई भी नहीं है परचेजिंग के लिए ना, क्योंकि तो हम पहला माल जो लिया हुआ है वो सेल कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा, ख़रीदने के लिए नहीं है जो पहले से माल जो है ख़रीदा हुआ है। सर कुछ बात करेंगे मोदी साहब के हवाले से। मोदी साहब जो हैं उन्होंने सूरह रहमान की तलावत करवाई, पार्लियामेंट हाउस की न्यू बिल्डिंग जो ओपनिंग हुई, कैसे देखते हैं इसको? सर मुझे नहीं इसका इलम, मैंने ना देख, मैं नहीं देख। मोदी का पता है आपको?
मोदी का तो पता है जी, उन्होंने तलावत करवाई। हालांकि कटर हिंदू मशहूर है, एंटी मुस्लिम जो है बड़ी बयान देते हैं, और मुसलमान गुजरात फसादात में जो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ उसमें वो कन्विक्टेड हैं। इस हवाले से आप देखें, और एक साइड पे जो है वो बात जी, अल्लाह पाक करम करे जी, इंशाल्लाह जो मुल्की है तो हमारे हालात है, हुकूमत ने तो बेड़ा गर्क किया हुआ है, कोई भी हुकूमत चलाने के साथ नहीं है, सब आपने कुर्सी खेल रहे हैं, आवाम को परेशान किया, गरीब आदमी वैसे ही ख़त्म हो गया। हम भी जॉब कर रहे हैं लेकिन इतनी सैलरीज नहीं है, इतने घर के अखराजात हैं उसके हिसाब से सैलरीज नहीं है, जो मालिकान है वो काम डबल लेते हैं। अब मैं फैसलाबाद से सुबह से आया हूँ इधर, को काफ़ी मार्केट्स की है, कोई ऑर्डर वगैरह नहीं है। मुझे ये बताएं, मोदी जो है हमारे हुक्मरानों से बेहतर है कि नीचे वाले दर्जे? तो जाहरी बात है जी, वो नीचे वाले दर्जे में ही है जी। कैसे नीचे वाले दर्जे? वो एक हिंदू है, वो एक हिंदू नहीं, सियासतदान आपने बोलना है, बताना है कि सियासतदान पाकिस्तानी सियासतदानों से बेहतर है कि नहीं है, मजहब और इंसानियत जी। मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं इंडिया कहाँ पहुँच गया तरक्की करके, जाहरी बात है जी सारे ममालिक पहुँच गए, बांग्लादेश पहुँच गया है, ये तो हमारा एक तमाशा ही बना हुआ है ना मुल्क। बेहतर है ना फिर? बेहतर ही हुआ जी, जो बेहतर ही है जी। अब आपको कुछ कहना चाहेंगे? बात जी कुछ नहीं, बस ठीक है जी, खुश रहें जी, खुश रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। तो नाज़रीन, आप जान रहे हैं लोगों की राय, मोदी जो है वो वज़ीर आज़म थे और हैं, जब तो बड़े लोगों ने, मुल्क ने तरक्की की, लेकिन पाकिस्तानी सियासतदान जो हैं वो लड़ाई झगड़ों में लगे हुए हैं। जानते हैं कि सूरह रहमान की तलावत जो करवाई, बेशक एक अच्छा काम था, लेकिन आवाम को उनको तनकीद का निशाना बनाना चाहिए या फिर वाकई तारीफ़ करनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम? वालेकुम सलाम, राना बिशारत जी। राना साहब, मुझे ये कहिएगा कि इंडिया में मोदी साहब ने पार्लियामेंट की न्यू बिल्डिंग को जब ओपनिंग हुई तो उसमें सूरह रहमान की तलावत हुई, तो आवाम जो है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भई ये तो पर्दा डाल रहे हैं, गुजरात फसादात में इतना अहम इनका किरदार था और अभी अच्छा बनना चाह रहे हैं वोट बैंक के लिए, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, अच्छा अमल है। आपको क्या लगता है, अच्छा है वाकई, एक अच्छा इनिशिएटिव लिया फाइनली उन्होंने? ये देखें, एक बात तो जो तलावत करवाई है ये तो बड़ी अच्छी बात है, अच्छा अच्छा किया उन्होंने, ये बुरी बात नहीं है, हमारे लिए तो अच्छी बात है कि एक बंदे एक चीज़ को मानते नहीं है वो वहाँ तो तलावत करा रहे हैं और सुन रहे हैं, ठीक है, एक तो बात ठीक है। दूसरी तरफ से जो उसका दूसरा किरदार, दूसरा रूप देखें तो वो बहुत भयानक है, उसमें भी हम कह सकते हैं उसको कि एक तरफ तो वो लोगों के लिए अच्छा बनना चाह रहा है, मुसलमानों के लिए, ये देखें जी मैंने ये किया, तो दूसरी तरफ मुसलमानों का कत्लो गारत भी इतनी हो रही है, कश्मीर में क्या हो रहा है, गुजरात में उसने क्या किया, वो हर बंदे के सामने है, लेकिन हर बंदे का अपना अपना किरदार है, अगर कोई अच्छा काम करता तो उसको अच्छा कहें, अगर कोई बुरा काम करता तो उसको बुरा कहें, ये तो बात नहीं यार। में उन्होंने बस कहा कि मुसलमान रुकन भी हैं पार्लियामेंट में, तो करवा दिया, इतना सोचा होगा आपको लगता है कि नहीं मैंने पर्दा डालना है, मैंने मुसलमानों का कत्लेआम किया था या मैं इसमें शरीक था तो मुझे अब अच्छा बनने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके फॉलोअर्स तो सारे कट्टर हिंदू हैं और वो जो है मुसलमानों को इतना अच्छा नहीं समझते, तो फॉलो उनको कवर अप करने की आपको लगता है ज़रूरत है? नहीं नहीं, देखें ये जो लोगों का ख्याल है ना, ये उसको कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना वो इतना कवर करने का उसको है, क्योंकि उसने जो काम किया बड़ी दिलेरी से मुसलमानों को कत्लेआम किया है, और कोई मुल्क मुसलमानों में से भुला नहीं है, सिवाय पाकिस्तान ने काफ़ी उसको कंडेम्ड किया, और भी करते हैं, लेकिन फ्रंट पे कोई नहीं आना चाहता, तो ये उसको डर वाली जो बंदा कहे ना जी, वो आँखों में धूल झोंक रहा है वोट बैंक, वो मुसलमानों ने वोट वैसे ही नहीं उसको देना, ये तो अंडरस्टूड बात है, वो कभी नहीं देंगे मुसलमान उसको, लेकिन वो उसने एक अपना, उसके अगर अल्लाह ने उसके दिल में डाली ये बात, ये अच्छी बात है उसकी, इसमें उसको डर खौफ किसी का नहीं है। अप्रिशिएट करना चाहिए ना, एक अच्छा इनिशिएटिव लिया। सर मुझे ये कहिएगा कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान की कौन सी ऐसी फील्ड है या कौन सी ऐसी कोई क्वालिटी है जिसमें वो इंडिया को कम्पीट कर सकता है या बेहतर है? ये बड़ा मुश्किल सवाल है और ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि इंडिया की इकॉनमी हमसे बहुत आगे चले गई है, वो लोग जो भी हैं आपस में होते हैं अपने मुल्क के लिए बेहतर सोचते हैं, हमारा जो भी है ना, हमारे सियासतदान ब्यूरोक्रेट हम भी उसमें शामिल हैं, हम इंडिविजुअली तो अपने लिए तो बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन मुल्क के लिए हमारे पास टाइम नहीं है ना ही अच्छा हम सोचते हैं, इंडिया को कम्पीट करना बातें करने की हद तक तो ठीक है, लेकिन हम नहीं कर सकते, आने वाले 50 साल में भी नहीं कर सकते। अगर बात करें कोई भी पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क जैसे पाकिस्तान कम्पीट कर सकता है और आगे बढ़ सकता है और आगे है? पाकिस्तान तो बहुत कम्पीट कर सकता है, बहुत मुल्कों को कर सकता है, अगर सर वो आपने वो बताने कौन कौन से मुल्क से बेहतर है पाकिस्तान? बहुत सारे मुल्क, अफ्रीका के जो बेचारे छोटे छोटे मुल्क हैं उनसे बेहतर है, काफ़ी मुल्कों से बेहतर है, हम नाम कह लेने हैं, अभी तो जो हमारे हालात हैं इस वक्त तो हम सबसे पीछे ही जा रहे हैं।
दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं। अवाम की वजह से है कि सियासतदानों की? नहीं, अवाम का कोई कसूर नहीं है ये, सियासतदानों का मसला है, ब्यूरोक्रेसी का और सियासतदानों का, आपका और हमारा नहीं है। अवाम का क्या है, जिधर कोई लगाएगा लग जाएंगे, हमने अपना काम करना है, आप अपना कर रहे हो, टैक्स दे रहे हैं हम, तो ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, जो भी गवर्नमेंट आए या ब्यूरोक्रेसी है, ये गवर्नमेंट है उसका काम है, पॉलिटिक्स का काम है। तो पहले तो सबसे पहले टैक्स का, आवाम को नहीं पता कि हमारे टैक्सेस से जो है तनख्वाहें दी जाती है, जो हम मेहनत करते हैं वो ही पैसों में कन्वर्ट होती है। सर मुझे ये कहिएगा, इंडियन आवाम को आप पाकिस्तानी होने के नाते क्या मैसेज देंगे, कोई भी एक अच्छा सा? मैं तो ये मैसेज दूंगा कि इंडिया और पाकिस्तान की आवाम एक दूसरे से मिलना चाहती है, वो जो हमारी गवर्नमेंट है उनकी गवर्नमेंट है वो नहीं मिलना चाहती। तो आवाम को चाहिए अपनी अपनी गवर्नमेंट को करें, ये जो कश्मीर का इशू है इंडिया से ही करें और आपस में मिलजुल कर रहें, उधर इधर काम करें, ट्रेडिंग करें। हमारी इंडिया से क्या जंग है, कुछ भी नहीं आज़ाद कश्मीर का है, वो टेबल पे बैठ के ये मसला हल हो जाए तो हमारे सारे मुश्किल हल हो जाए। गवर्नमेंट खुद तो मुलाकातें करती है, आना जाना है, आवाम को क्यों नहीं? आवाम को इसलिए नहीं मिलने देती कि जी अगर आवाम मिल जाएगी कल को जी एक हो जाए तो हमने किधर से खाना है, वो तो हमें लड़ा के खुश रहेंगे ना, ये मसला है। इंतशार की सियासत की जाती है, बांट कर उनके ऊपर हुक्मरानी की जाती है। बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मजीद जानते हैं लोगों के व्यूज़ के क्या कहना है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? माय नेम इज़ मोहम्मद आलम। सर मुझे यह कहिएगा कि मोदी साहब ने जो है तलावत करवाई सूरह रहमान की पार्लियामेंट की न्यू बिल्डिंग में, भजन वगैरह भी गाए गए लेकिन क्योंकि मुसलमान रुकन भी मौजूद हैं, पार्लियामेंट का हिस्सा है तो तलावत भी करवाई। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जानबूझ के पर्दे डाल रहे हैं अपने गुजरात फसादात पे, कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब यू नो अच्छा काम है, अच्छा मतलब आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है, मेरा कहने का मतलब अच्छा काम है क्योंकि मुसलमान भी थोड़े देर तलावत होनी चाहिए थी, ये तो नहीं ना कि हर उन्होंने भी वजीर आजम होता है, वो भी अपने उस तरह जिस तरह दूसरे हकूक फराइज के हकदार हैं इस तरह हकूक फराइज ये भी हकदार ने। अच्छा एक अमल कर दिया ना? हाँ बिल्कुल अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया। सर आपको क्या लगता है पाकिस्तान किस फील्ड में बेहतर है इंडिया से? पाकिस्तान की कौन सी वाली फील्ड में बेहतर है इंडिया से? कौन सी फील्ड में बेहतर है इंडिया से? इंडिया बेहतर है। कोई एक आपने बता रही कि पाकिस्तान की ज़राअत बड़ी अच्छी है इंडिया की नहीं है, या कोई भी ऐसी एक खूबी? आई डोंट नो व्हाट यू कैन से, प्लीज़ रिपीट इट। मैं ये कह रही हूँ कि आपने कोई एक ऐसी खूबी बतानी है कि इंडिया से हम बेहतर हैं ज़राअत में, हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, कुछ भी, कोई एक ऐसी खूबी बताए पाकिस्तान? नहीं इंडिया में बेहतर नहीं है, इंडिया बेहतर है, क्योंकि इंडिया के अंदर कानून है। अगर तुम्हें देखा जाए ना, आज तो कुछ मैं इंडिया गया हाँ एक दफा रिलेटिव ने, तो कहता जा अपनी मस्जिद इमाम को पूछ जाके, वह आंदा मैं पाकिस्तान नहीं जाना। मैं तू पाकिस्तान क्यों नहीं जाना? आंदा मैं उत्थे गया हाँ, उन्हें अपनी स्टोरी दसी कि मैं उत्थे गया हाँ, तो उदों समझौता डीलर होंगे स्टेशन से आ जाते हैं माल लैन। एक्सप्रेस जी चलती जी जी रेल गड्डी चल हाँ हूँ तो नहीं है, अगे तरीका कार सी माल लैन वास्ते आए, और 9 साल बाद मिल पाया वह माल लैके रफू चक्कर हो गया, कोई कहता लिया मैं रेट लैन, वो आंदा वो तो चोर तो डाकू रेंगे ने मैं नहीं जाना। इस वास्ते उन्होंने मुल्कों के अंदर, मैं क्या जी हर हर मुल्क के अंदर शैतान का अमल दखल तो होंगे ही है ना, शैतानी लोग उन्हें क्या इस तरह पैसे लै जाए, गरीब मुल्क ने इस तरह फट के पैसे लै जाए, जे तेरे को खोएगा ना फिर समझी वाकई वही होंगे आंदा उसे वे कानून हुक्मराना ने कानूनी सख्ती की पुलिस ने बकायदा सख्ती की पुलिस कानून अमन दे अमन है सुकून है और मुल्क तरक्की क्यों ना करे, साढ़े मुल्क ये है ही नहीं, साढ़े मुल्क ये एक बंदा है और पुलिस वाले लख रुपया दे रहा है, वह पुलिस वाला तो नहीं छड़ता उन्होंने, लेकिन जज 10,000 रुपया दे के छड़ दिंदा जज जरा बेगुना। फिर आवाम को पता होना चाहिए पैसे लगाने का ये बैठ के, मैं कह सर फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि आवाम को ये पता होना चाहिए किधर पैसे लगाने हैं, कम में भी काम बन जाता है। गल क्या साढ़े आवाम को समझदार होना पड़ेगा ना फिर। नहीं नहीं आवाम हुक्मरानों को समझ, आवाम को समझदार होने की जरूरत नहीं है हुक्मरान कि कानून जोड़ा ना वो कर सकता काम, इनफरादी जुर्म जुर्म नहीं होंगे होंगे ना, इनफरादी नेकी नेकी है। गल है कि कानून जो चाहे कर सकता है, कानून को ताकत है की बालादस्ती बेहद जरूरी है। सर इंडियन को इंडियंस को कुछ कहना चाहेंगे कि पाकिस्तानी मोहब्बत करते हैं या आपको भी सियासतदानों की तरह सिर्फ लग गए थे नहीं जी हमें नहीं पसंद, कैसे लगते हैं आपको? मैं तो कहता हूँ इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, इससे मोहब्बत करनी चाहिए, अमेरिका सीएम करना चाहिए पर वो कर नहीं सकते, तो अमरीकियों के आने पर बड़े खुश होते हैं पाकिस्तानी कहते गोरे। गल की थी तो एक लड़की ने क्या थी मीडिया लड़की ने अगर अंकल जी हमारा मीडिया बंद हो जाएगा आप जेल चले जाएंगे, तो मैं आराम से बात करें। इस वास्ते मेरा कहने का मकसद है कि साडा बैरूनी मुदाखल जी है अमेरिका की
अगर अमेरिका सानू जो चाहे कर सकता है ऐसे निजाम से सही हो सकता है बस गया। जब पैसे लिए हो तो फिर माननी तो पड़ती है कि जब पैसे लिए हो तो फिर माननी तो पड़ती है ना। ते पैसे किसने लिए? हमने लिए है, हुक्मरानों ने लिए, जिन्होंने लिए है वो दे करदा, वो कर्जा दे पाके, वो कर्जा दे, जिन्होंने लिया है वही कर्जा अदा करे। सर आवाम को क्या कहेंगे, इंडियन आवाम को, इंडिया के मतलब क्या कहो, इंडियंस को क्या कहेंगे, आवाम को जो इंडिया की भारत की आवाम है उनसे क्या कहेंगे, कोई मैसेज देते? मैं इंडिया के बारे में कहूँगा कि इंडिया एक तरक्की जा रहा है और ना हुक्मरान समझने का अगर खलके खुदा खुशहाल है तो ऐसे हुक्मरान है, सारे हुक्मरान जो एक दूसरे के बढ़ने की दौड़ में है। जब ये चीज करप्शन तो वहाँ पे भी बहुत है, फिर यहाँ की करप्शन और वहाँ की करप्शन में क्या फर्क है? करप्शन का कोई तरीकाकार कोई हो रहे लेकिन साढ़े से करप्शन जी सर आम है, खुलम खुला है। वैसे बड़ी अच्छी बात आपने नॉमिनेट कर दी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। तो यहाँ पे जरा खुल्लम खुल्ला करप्शन चल रही है, वहाँ पर जरा तरीक़ाकार छुपा के ढक के की जाती है। तो नाज़रीन आवाम से जानते हैं राय कि उनका क्या कहना है। मोदी ने सूरह रहमान की जो तलावत करवाई वो अच्छा अमल था, बेशक अच्छा अमल था, लेकिन आवाम उसको तनकीद का निशाना क्यों बना रही है? जानते हैं पाकिस्तानियों से कि वो तनकीद करेंगे या इसको एक अच्छा अमल ही करार देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? गुलाम मुर्तज़ा। गुलाम मुर्तज़ा साहब, मुझे ये कहिएगा, मोदी साहब ने सूरह रहमान की न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग में करवाई तिलावत, तो आवाम कुछ तनकीद करिए, कुछ बड़ी खुशी, आप क्या किन लोगों में, खुश होने वालों में कि तनकीद करने वालों में? खुश होने वालों में है। क्यों? इसलिए कि देखिए वहाँ पे हमारे बहुत से औलिया कराम हैं जिन्होंने इस्लाम के लिए बहुत मेहनत की है, दीन के लिए बहुत मेहनत की है, ठीक है, वो भी यही दर्स देते थे जाके वहाँ पे, अपना घर बार छोड़ के गए अल्लाह की रज़ा के लिए, लोगों को बताया कि खुदा का मतलब क्या है, ये बुतों के अंदर कुछ नहीं है। चलो चाहे उसने सियासत के अंदर आके किसी बेस पे भी आके हमारे खुदा का नाम तो लिया है ना, हमारे नबी का पैगाम तो पहुँचाया है ना, जो हमारे खुदा का नाम लेगा हमारे नबी का पैगाम पहुँचाएगा वो हमारे लिए अच्छा है, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, हमारे लिए अच्छा है। सर कुछ लोग कह रहे हैं कवर अप कर रहे हैं जो गुजरात फसादात थे उसको, कि मैं अच्छा बन जाऊँ जरा आवाम के सामने, आपको लगता है उन्हें अच्छा बनने की ज़रूरत है या वो जब बनना चाहेंगे आवाम के सामने अच्छा? मेरी बात सुने, पता क्या बात है भाज, ये है कि वो गुजरात तो कुछ भी नहीं, इससे बड़े बड़े सानहा कराए हुए हैं उसने, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना, उससे बड़े बड़े सानहा कराए हुए हैं, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। अब आप देखें वहाँ पे, आप देखते रहे हैं टीवी के ऊपर भी दिखाते रहे हैं कि जो वो उसने किसानों के साथ किया, कितने महीनों के अंदर चला गया धरना, तो कितनी परेशानी थी, कितना मार कुटाई की है उसने, वो बेसिकल ये काम उसके लिए कोई मामूली से काम है, ये इशू नहीं है, ये एक अलहदा कवर अप देने की ज़रूरत नहीं है। सर एक आपने अब बताना है हमें ये कि पाकिस्तानी आवाम या पाकिस्तान जो है इंडिया में किस फील्ड में बेहतर है? अब देखें ना बात सुने कि जब मेरी 55 के ऊपर उम्र है, मैं जब भट्टो था ना उस वक्त मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था, मैंने उसकी तकरीर मीनार पाकिस्तान में सुनी, वो मेरे दिल में घर घर गए, ठीक है, तो किस लिए, वो लीडर था, लीडर वो होता है जिसकी बात जो है ना दिल के अंदर घर घर जाए, किसी को अपने अंदर माइल कर ले, खींच ले, विल पावर हो उसके अंदर, वो लीडर था, उसको मरवाया गया, ठीक है, किसने मरवाया, अमेरिका ने, क्योंकि उसके एक अल्फाज थे, उसने कहा था कि गोरे जो है पाकिस्तान में आके शूज़ पॉलिश करेंगे, जितने भी गोरे हैं ना पाकिस्तान में आके शूज़ पॉलिश करेंगे, गोरों को बुरा लग गया होगा सर, पाकिस्तानी भी तो जाके गोरों के जूते शूते पॉलिश कर ही देते हैं। नहीं मेरी बात सुने ना, पता क्या बात है, अगर उस वक्त इस्लामी बैंक बन जाता तो पाकिस्तान को कोई तरक्की से नहीं ऊपर कर रोक सकता था, उस वक्त की बात है, तो पाकिस्तान ने इतनी प्रवास में चले जाना से इसको कोई पकड़ नहीं सकता था। अब ये एक छोटी सी बात है, देखो हमारा पैसा हम ही पे इस्तेमाल किया जाता है, जितने मुल्क है सारा पैसा अमेरिकन बैंकों में जमा कराते हैं, वो ही पैसा हमें कर्जे के तौर पे देता है, उसे ट्रस्ट लेता है, ठीक है, वो हमारे ऊपर इस्तेमाल हो रहा है पैसा, हमारी जूतियाँ हमारे ही सर है। हाँ क्यों नहीं, ये मेन चीज़ पैसा, वो कहता है कि इंसान की, अमेरिकन इंसान की कीमत है, पैसे की वैल्यू नहीं है, पैसा जितना चाहिए ले लो, अमेरिकन को कुछ ना होना चाहिए। ये शदरे के अंदर एक वाकया हुआ था आपको याद है,
ठीक है, वो किस तरह चार कतलों के अंदर से कैसे लेके गए हैं उसे। लेकिन पाकिस्तान में उल्ट है, पैसे की किस्म इज्जत है, इंसान की इज्जत नहीं है सर। लेकिन फिर इसका मतलब है पाकिस्तान किसी फील्ड में, अब क्योंकि अब तो नहीं बना इस्लामी बैंक, तो कोई फील्ड है जिसमें पाकिस्तान बेहतर हो? एक फील्ड है बाजी है कि हमको ना खुदा के आगे गिड़गिड़ा के दुआ करनी चाहिए, कुरान का फैसला है जैसी कहूँ वैसा हुक्मरान। तो नाज़रीन आपने जाना कि मोदी साहब जो हैं उन्होंने जो तलावत करवाई बेशक एक अच्छा काम था, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, बेशक एक अच्छा काम है, तमाम मजाहिब को आज़ादी होनी चाहिए और आज़ादाना तौर पर प्रैक्टिस करने का जो है मौका मिलना चाहिए। तो कोई भी अच्छा काम चाहे छोटा सा इनिशिएटिव हो अप्रिशिएट करना चाहिए, और जो लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं गुजरात फसादात के हवाले से, वो वाकई बायस तनकीद है और गलत को खुलकर गलत कहना चाहिए। आप हमें बताएं कि आप इस एक्ट को अप्रिशिएट करेंगे या डिस्करेज करेंगे, अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।